ये जो मुझे गाली देगा वो उनके गोद में जा सकता है भाई, तो खुद ही उनको गोद लेता है, तो मैं गरीबों को गोद लेता हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो ढोंगी है, क्योंकि वो भगवान से जुड़ा हुआ है, तो मेरे भगवान मेरी जनता है और मैं उस जनता से जुड़ा हूँ। इनको लगता है कि मैं नाटक करता हूँ, तो अच्छी बात है, तुम भी नाटक करके अपना नाम कर लो यार। और आप मेरे साथ देख रहे हैं द एचडी न्यूज़। भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने नेता खेसारी लाल यादव ने अपने विरोधियों के ऊपर कड़ा प्रहार किया है। जी हां, उनके लिए जो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, सोशल मीडिया के जरिए उनको गालियां देते हैं, साथ ही उनके साथ कई बदसलूकी भरा व्यवहार भी करते हैं, इसको लेकर जरा गौर से सुनिए हमारी इस वीडियो में क्या कुछ कहा है खेसारी लाल यादव ने। क्योंकि लोगों को लगता है कि वो ढोंगी है, क्योंकि वो भगवान से जुड़ा हुआ है, तो मेरे भगवान मेरी जनता है और मैं उस जनता से जुड़ा हूँ। इनको लगता है कि मैं नाटक करता हूँ, तो अच्छी बात है, तुम भी नाटक करके अपना नाम कर लो यार। तुम भी नाटक करोगे तो उस नाटक के बदौलत कम से कम 2-4-10 लोगों का भला तो हो जाएगा, तो तुम भी नाटक करो। और वो नाटक शुरू हो गया है, अब सब लोग भाई सामग्री बांटना शुरू कर दिए आज के डेट में, सब लोग बाढ़ पीड़ितों के पास जाना शुरू कर दिए हैं, सब लोग गरीबों का दान करना शुरू कर दिए हैं, गोद लेने की भी प्रक्रिया होती है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जो मुझे गाली देता है उसी को गोद ले लेते हैं, अब उनको क्या कहिएगा भाई। अगर हाँ है, यहाँ धरती पे बहुत सारे लोग हैं, हमारे इंडस्ट्री के ही लोग हैं, जो मुझे गाली देगा वो उनके गोद में जा सकता है भाई, तो खुद ही उनको गोद लेता है, तो मैं गरीबों को गोद लेता हूँ, मैं असहाय लोगों को गोद लेता हूँ। कुछ लोग हैं जो खेसारी को तुम गाली दे दो मेरे गोद में बैठ जाओ, तो ठीक है ना, अच्छी बात है भाई, किसी को गोद ले रहा है ना आदमी, कम से कम वो विचारधारा तो दिमाग में आया कि आप किसी को गोद ले रहे हो, भले वो नाजायज करता है लेकिन आप गोद में तो ले रहे हो। तो यहाँ पत्थर साधु पे ही चलता है, कोई क्रिमिनल पे नहीं चलता है, तो अच्छा बात है ना कि मैं उस विचारधारा में हूँ, कम से कम सर कुछ तो कर रहा है वो मेरे लिए, अपना काम छोड़ के। आप इसको आदमी को जो भी मेरे बारे में जो भी बोलता है उसको तो पूछना चाहिए, मुझे उसको तो पूछना चाहिए, इसलिए पूछना चाहिए कि जो आदमी अपना काम धंधा छोड़ के, अपना करियर छोड़ के, सब कुछ छोड़ के और मेरे बारे में सोच रहा है, ये कितनी बड़ी बात है सर। तो ये दुनिया है और ये दुनिया बोलेगी, और दुनिया पूरी दुनिया नहीं बोलेगी, कुछ लोग हैं जो अच्छे इंसान हैं, इन दुनिया से सबसे अलग है वो, उनके विचारधारा में मैं नहीं आता, तो शायद वो मेरे बारे में जो भी बोलना है बोलेंगे, अच्छी बात है, कहाँ बुरा है, मैं किसी की बातों को बुरा मानता ही नहीं, सबको समय बता देता है सर, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, आज नहीं तो कल वो समय आएगा, ये भी कि मुझे लगता है कि हाँ वो समय जरूर आएगा जब वो उस जगह पे खेसारी नहीं कोई और होगा, और वो विधि जो मेरे साथ हो रही है वही विधि उसके साथ होगी, तो शायद वो खेसारी बन के नहीं कुछ और बन के उनका हिसाब करेगा, इसीलिए मैं चुप रहता हूँ कि भाई आदतें अपने दिमाग में रखो, आज नहीं तो कल फिर किसी के लिए तुम बोलोगे और वही चीज़ है तुम्हारे साथ।